अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उस्मान मदनी। टुडे आई विल डिस्कस द मेडिसिन ITP-OD यानी आइटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली ये मेडिसिन क्या है, कौन से पेशेंट्स के लिए ये मेडिसिन बेस्ट है, क्या इसके यूजेज़ हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जानने के लिए इस वीडियो को देखें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियो। तो बात करते हैं आइटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड के बारे में, यानी ITP-OD ये क्या है। दिस मेडिसिन इज़ यूज एज अ गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक के तौर पर यह इस्तेमाल की जाती है और ये 150 मिलीग्राम में भी पाई जाती है और 50 मिलीग्राम में भी होती है। सेमी फार्मा की प्रोडक्शन है। और यूजेस और कंडीशन के बारे में अब बात करते हैं, ये था इसका इंट्रोडक्शन। यूजेस इसके ये हैं कि आप इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके पेट में अगर कोई लेमिनेशंस हो रही हैं या आपको कोई पेन है या इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। इसमें क्या होता है कि आपका पेट या आपका मैदा बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग में होता है, यानी कि आप भरा भरा फील करते हैं, आपको पेन भी हो रहा होता है और आपके गैस्ट्रिक इश्यूज भी होते हैं, तो इस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सेंसेशन ऑफ ब्लोटिंग, यानी जब आपको भूख ना लग रही हो, आपका पेट ऑलरेडी फिल हो, आपकी डाइजेशन का प्रोसेस स्लो चल रहा है और आप इससे काफ़ी परेशान हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अर्ली साइटी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपका जो है वो मैदा काम ना कर रहा हो, आपको भूख ना लग रही हो, एपिटाइट ग्रोथ आपकी नहीं चल रही, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अपर एब्डोमिनल पेन में या एनोरेक्सिया की एक कंडीशन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, यानी आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा होता है, आपके मैदे में दर्द हो रहा होता है, आपका मैदा जो है वो बहुत स्लो चल रहा होता है, तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इवन जब आपका दिल भी समटाइम ऐसा होता है कि हार्ट बर्न की कंडीशन होती है, आपके दिल पे बोझ होता है, आपका दिल जलन महसूस कर रहा होता है, बाज़ औक़ात खुराक के जो है वो बेकायदगी से इस्तेमाल से इस तरह भी हो जाता है, तो इस तरह की कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नाज़िया और वॉमिटिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उल्टी और मतली की कंडीशन हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और स्टमक जब आपका भरा भरा आपको लगे या स्टमक आपका सूजा हुआ लगे या उसमें दर्द हो, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये थे इस मेडिसिन के यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की, कि इससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इससे आपको डायरिया हो सकता है, रैश हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो सकता है, एग्जॉशन हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, उसके अलावा ग्लेटोरिया की कंडीशन हो सकती है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। बेसिकली ये मैदे ये जो मेडिसिन है ये मैदे के लिए डिज़ाइन की गई है। जो भी आपको मैदे के मसाइल हों आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो उस्मान मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।